हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाईपीएल स्टिल टुगेदर के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। फैंग और डिम अपने अपने क्लब को आने वाले इवेंट टू यू के बारे में बता रहे होते हैं। दोनों बताते हैं कि टू यू एक ऐसा इवेंट है जो 2 साल में एक बार होता है, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ आपस में फुटबॉल मैच, म्यूजिक शोज और चीयर लीडिंग के थ्रू कम्पीट करते हैं। दोनों कहते हैं कि ये इवेंट उनके क्लब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे उनके क्लब की रेपुटेशन जुड़ी है, तो इस इवेंट को उन्हें अच्छे से जीतना होगा। सरावत और टाइन अपने अपने क्लब की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं, पर दोनों क्लब की आवाज़ ज़्यादा होती है तो डिम और ग्रीन फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। डिम ग्रीन को कहता है कि आज तो म्यूज़िक क्लब के लाउड होने की बारी है। ग्रीन कहता है कि उन्हें भी तो टू यू इवेंट के लिए रिहर्स करना है। ग्रीन और डिम फिर से फैसला लेने के लिए टाइन और सरावत को आमने सामने कर देते हैं। टाइन और सरावत घर जा रहे होते हैं तो टाइन सरावत से कहता है कि उनके क्लब का शेड्यूल अभी बहुत पीछे चल रहा है, तो सरावत उन्हें 2 दिन लाउड होने दे और वो लोग तीसरे दिन लाउड हो जाएं। सरावत कहता है कि डिम चाहता है कि म्यूजिक क्लब 3 दिन लाउड हो और चौथे दिन चीयरलीडिंग क्लब लाउड हो। ये सुनकर टाइन चौंक कर अपसेट होने लगता है। तभी सरावत कहता है कि टाइन ने कहा था कि वो दो लोग घर में काम की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, तो अब वो बात ना करें क्योंकि वो लोग घर आ चुके हैं। सरावत और टाइन छोटी सी बात पर नोकझोंक कर रहे होते हैं, तो टाइन कहता है कि शायद अब उनका स्वीट फेस खत्म हो गया है, इसीलिए सरावत उससे लड़ रहा है। सरावत कहता है कि ऐसा नहीं है, रात में टाइन को नींद नहीं आ रही होती है, तो वह सरावत को एवरीथिंग सॉन्ग सुनाने को कहता है। सरावत दूसरा गाना गाने लगता है, तो टाइन कहता है कि पहले तो उसे जो भी गाना सुनना होता था सरावत वही सुनाता था, पर अब शायद उनका स्वीट फेस खत्म हो गया है इसीलिए सरावत ऐसा कर रहा है। सरावत कहता है कि वो खुद क्यों नहीं बजा लेता। टाइन नाराज़ होने लगता है, तो सरावत कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है। टाइन कहता है कि पहले वो लोग बस इसी बात पे नोकझोंक करते थे कि वो लोग क्या खाएंगे, पर अब क्लब्स के बारे में झगड़ते हैं और गाना चुनने तक से उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सरावत कहता है कि मैच्योर बनना आसान नहीं है। टाइन सरावत को बताता है कि कल उनके क्लब मेंबर्स फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सरावत के क्लब मेंबर्स लाउड होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं रूम में। सरावत कहता है कि टाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उनका क्लब एसी में प्रैक्टिस करता है, पर फील्ड में प्रैक्टिस करने से उनके मेंबर्स को गर्मी लगेगी। टाइन कहता है कि वो सब मैनेज कर लेगा, तो वो चिंता ना करें। बॉस और मैन आकर फुकोंग से उसके और मिल के बारे में पूछते हैं। इस पर फुकोंग कहता है कि वो तो मिल से कई दिनों से मिला ही नहीं है। बॉस कहता है कि वो चिंता ना करे और खुद पर यकीन करे। पियर आकर बॉस को ग्रीट करती है तो बॉस पैनिक होने लग जाता है। पियर के जाते ही मैन कहता है कि बॉस की हालत तो फुकोंग से भी बदतर है। टाइन अपने क्लब मेंबर्स को बाहर प्रैक्टिस करवाने लगता है। टाइन सबको कहता है कि वो लोग कुछ दिनों तक यूनिवर्सिटी के बारे में सोचकर बाहर ही प्रैक्टिस कर ले। फुकोंग टाइन को बताता है कि म्यूज़िक क्लब आज कुछ ज़्यादा ही शांत है। टाइन म्यूज़िक क्लब जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, तो वो सरावत को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता है। सरावत जब घर आता है तो टाइन पूछता है कि वो कहाँ था और कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा था। सरावत बताता है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। सरावत उसे बताता है कि उन लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए कैंपस के बाहर रूम रेंट लिया था, पर वो रूम डिम को पसंद नहीं आया, इसीलिए डिम ने उन लोगों को 2 वीक्स तक घर में प्रैक्टिस करने को कहा है। टाइन उदास हो जाता है। टाइन का उदास चेहरा देखकर सरावत उसे हग करता है और कहता है कि बस 2 वीक की तो बात है, तो वो उदास ना हो। फुकोंग मिल से मिलने फुटबॉल फील्ड जाता है, पर मिल को उसके फ्रेंड्स के साथ खुश होकर खेलता देख वो वापस चला जाता है। सरावत और टाइन सरावत का सामान जाने के लिए पैक कर रहे होते हैं। सरावत टाइन की डॉल लेकर कहता है कि वो इसे भी अपने साथ ले जाएगा। टाइन कहता है कि वो दोनों कभी एक दूसरे से इतने दिनों तक दूर नहीं रहे हैं। सरावत कहता है कि वो किसी कारण से टू यू इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। टाइन कारण पूछता है। सरावत बताता है कि जब उसने टाइन को पहली बार कॉन्सर्ट में देखा था तो उसके बाद वो हर कॉन्सर्ट में जाकर उसे ढूंढता था, पर टाइन उसे कहीं नहीं मिला। पर एक दिन वो टू यू के इवेंट में गया था, वहाँ उसे टाइन जैसा दिखने वाला एक लड़का दिखा था, पर वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। सरावत उस वक्त बहुत निराश हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर तभी डिम को उसने स्टेज पे देखा। डिम कहता है कि जो लोग भी निराश होकर हार मान रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मौका उनके हाथ से जा चुका है, वो लोग अगर अभी भी उम्मीद करना चाहते हैं तो वो लोग हारे ना।
क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। सरावत कहता है कि डिम की बातें सुनकर ही उसे फिर से हिम्मत मिली तो उसने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, क्योंकि वो दोनों पहली बार यहीं मिले थे और आखिर में वो यहीं पर टाइम से मिला भी। सरावत कहता है कि पिछली बार डिम ने 2U इवेंट में हिस्सा लिया था पर वो हार गया था, इसीलिए इस बार सरावत उसके लिए जीतना चाहता है और डिम इस इवेंट को इसलिए जीतना चाहता है ताकि प्राइस मनी से वो लोग साउंड प्रूफ स्टूडियो ले सकें। सरावत पूछता है कि क्या वो पिछली बार 2U इवेंट में गया था। टाइम कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो कई कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स में जा चुका है। सरावत और टाइम वॉक पे जाते हैं। टाइन सरावत की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो सरावत उसका मोबाइल लेकर साइड में चला जाता है। सरावत जाने के लिए रेडी हो जाता है। टाइन पूछता है कि कहीं वो कुछ भूला तो नहीं है। सरावत कहता है कि वो उसकी बॉडी टच करना भूल गया है। टाइन हंसने लगता है तो सरावत कहता है कि कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि वो उसे तब तक किस करे जब तक वो गिर ना जाए। टाइन कहता है कि ये बात वो कई बार सुन चुका है पर अभी तक वो गिरा नहीं है। सरावत टाइन को किस करने उसके क्लोज आने लगता है, तभी डिम आकर उसके दरवाजे पर नॉक करने लगता है तो सरावत टाइन को चीक्स पर किस करके चला जाता है। टाइन को खोया दे एक फॉर्म कहता है कि अगर वो सरावत को मिस कर रहा है तो वो उसे कॉल कर ले। टाइन कहता है कि सरावत ने कहा है कि फ्री होने पर वो उसे खुद कॉल करेगा और वैसे भी उन दोनों ने डिसाइड किया है कि इन 2 वीक्स में वो लोग अपने अपने क्लब्स के ऊपर फोकस करेंगे। रात में टाइन घर आकर सरावत की रखी ड्रिंक पीता है। अगली सुबह अपने बगल में सरावत को ना देखकर टाइन चौंक जाता है। फिर उसे याद आता है कि सरावत 2 वीक्स के लिए डिम के घर गया है। टाइन उदास हो जाता है। टाइन अपने डेली रूटीन में लग जाता है। टाइन सरावत को मिस करने लगता है। टाइन इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है कि आजकल उसे बिस्तर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। टाइन जो भी करता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ पर वो सरावत को मिस करता है। टाइन बहुत ज़्यादा मूडी हो जाता है तो वो फुकोंग को उसकी छोटी सी गलती के लिए डांट देता है। फुकोंग सॉरी कहता है। पियर टाइन को कहती है कि फुकोंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है तो वो थोड़ा सा सब्र रखे। फुकोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बॉस और मैन आकर उससे पूछते हैं कि आज वो फुटबॉल फील्ड में प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। फुकोंग कहता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए टाइन ने कहा है। मैन कहता है कि आज उनकी और मिल की टीम आपस में कम्पीट करने वाली है तो वो मिल के सामने बेहोश होने का नाटक करे और उसकी फीलिंग्स जान ले। फुकोंग ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर मिल उसे थोड़ा सा भी लाइक करता तो वो आज साथ होते। बॉस कहता है कि सरावत ने टाइन को 1 साल तक ढूंढा तो वो इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है। फुकोंग कहता है कि वो सरावत जितना लकी नहीं है शायद। फुकोंग वापस प्रैक्टिस करने चला जाता है। फुकोंग की हालत खराब लग रही होती है तो ग्रीन उसे रेस्ट करने को कहता है पर फुकोंग कहता है कि वो ठीक है। मिल और मैन का प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाता है। मिल बॉस को पिछले साल गिराने के लिए सॉरी कहता है। मैच खेलने वक्त मिल गलती से फिर से बॉस से टकरा जाता है। फुकोंग प्रैक्टिस करते करते बेहोश हो जाता है। मिल ये देख कर वहाँ पर दौड़ के जाता है। मिल फुकोंग को उठाकर हॉस्पिटल ले आ जाता है। फुकोंग को जब होश आता है तो मिल उसके सामने बैठा होता है। फुकोंग को जब पता चलता है कि मिल उसे यहाँ लाया है तो फुकोंग उसे परेशान करने के लिए सॉरी कहता है। मिल पूछता है कि वो आजकल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। फुकोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिल कहता है कि जब से वो चीयर लीडर बना है वो चेंज हो गया है। फुकोंग कहता है कि कम से कम अब वो मिल को तंग तो नहीं करता है तो ये तो मिल के लिए अच्छी बात है। मिल कहता है कि उसने कब कहा कि फुकोंग उसे तंग करता है। मिल कहता है कि फुकोंग का ज़्यादा मेकअप देखकर वो मेकअप रिमूवर लाने गया था पर तब तक फुकोंग जा चुका था। मिल कहता है कि वो रोज़ फुकोंग का इंतज़ार करता था रात में ताकि वो उसके साथ फुटबॉल खेल सके पर फुकोंग आया ही नहीं। मिल फुकोंग के क्लोज आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। फुकोंग साइड होकर कहता है कि अगर वो उसे लाइक नहीं करता है तो वो उससे दूर रहे। मिल फुकोंग से पूछता है कि वो उसे लाइक क्यों करता है। फुकोंग कहता है कि शायद वो सरावत की तरह है इसीलिए। मिल पूछता है कि क्या वो सरावत की तरह बुरा है। फुकोंग कहता है कि उसे बुरे लोग ही पसंद हैं तो अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो वो उसे मूव ऑन करने दे। मिल पूछता है कि क्या वो चाहता है कि मिल उसके साथ लवी डवी एक्ट करे। फुकोंग को मिल की बात समझ नहीं आती है तो वो पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। फुकोंग पूछता है कि क्या मिल अभी भी उसे सिर्फ अपना जूनियर ही समझता है। मिल कहता है कि बहुत वक्त से वो उसका सिर्फ जूनियर नहीं है। फुकोंग स्माइल करने लगता है। सरावत ने टाइन को कहा होता है कि वो उसकी रिकॉर्ड की वीडियो तभी देखे जब वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो तो टाइन सरावत को बहुत मिस कर रहा होता है तो वो वीडियो देखने लगता है। वीडियो में सरावत कहता है कि जब टाइन से वो दोबारा यूनिवर्सिटी में मिला था तो वो बहुत खुश था।
इतना खुश था कि उसके आंसू तक आ गए थे। सरावत टाइन को उसकी फीलिंग्स बताने लगता है। वीडियो देखकर टाइन सरावत के डॉल से रोते रोते बात करने लगता है। टाइन कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। तभी टाइन को सरावत की आवाज़ आती है कि वो भी उसे मिस कर रहा है। टाइन आगे पीछे देखता है तो उसे सिर्फ टाइप दिखाई देता है। टाइप कहता है कि वो किसी काम से वापस आया था और मैंने उसे बताया था कि टाइन अभी अकेला है, इसीलिए वो उससे मिलने आया है। टाइन टाइप को कहता है कि वो सरावत को इतने ही दिनों में बुरी तरह मिस कर रहा है, तो टाइप मैन से महीनों दूर कैसे रह रहा है। टाइप कहता है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही हैं। टाइप कहता है कि मैन और टाइप के रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम डिस्टेंस है और सरावत और टाइन के रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम उनकी जिम्मेदारी है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ही रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। टाइप और टाइन बातें करने लगते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। फुकोंग को मिल से प्यार से बात करता देख बॉस और मैन उसे चिढ़ाने लगते हैं। बॉस फुकोंग को उनके साथ ट्रीट के लिए बुलाता है। फुकोंग कहता है कि वो प्रैक्टिस में बिजी है। बॉस के पैरों में चोट लगा देख पियर उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। बॉस कहता है कि उसे फुटबॉल खेलने वक्त लग गई है चोट। बॉस हर्ट होने का नाटक करने लगता है तो पियर उसके चोट पर पट्टी लगाने ले जाती है उसे। मैन घर में टाइप को देखकर चौंक जाता है। मैन उसे हक करता है। मैन पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रहा था। टाइप मना करता है। मैन कहता है कि वो उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करता। मैन कहता है कि अब तो वो उसे तभी छोड़ेगा जब वो उससे प्यार से बात करेगा। टाइप मैन को कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, तो मैन भी उसे हक करके कहने लगता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा था। अगले दिन 2U का इवेंट होने वाला होता है, तो टाइन अपने जूनियर्स को मेहनत और लगन के लिए थैंक्स कहता है और उनकी तारीफ भी करता है। टाइन घर जा रहा होता है तभी टिम उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि आज उनका लास्ट रिहर्सल है, तो टाइन उनके लिए ऑडियंस बंद कर उन्हें सपोर्ट करे। सरावत अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने लगता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।